दिल्ली में सरकार बनाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि अगर बीजेपी को न्योता मिलता है तो पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। इसे एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी को एलजी ने बुलाया तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब तक की सबसे बड़ी हलचल मची है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए रिपोर्ट भेजी थी। इसमें नई सरकार बनाने की कई संभावनाओं का जिक्र किया गया था, जिसके बाद बीजेपी के भीतर सरगर्मी तेज है। इस मुद्दे पर जरा गृहमंत्री राजनाथ सिंह की बात सुन लीजिए। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, यदि इनवाइट करना होगा तो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनवाइट करें। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इनवाइट करेंगे तब देखेंगे क्या करना है। बीजेपी अभी पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन तेवर बता रहे हैं कि न्योता मिलने के बाद बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उसने इसकी शिकायत राष्ट्रपति से की है। बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर? हमने उनको बताया कि उनकी खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उसने इसकी शिकायत राष्ट्रपति से की है। बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर? हमने उनको बताया कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट भेजी है कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। दिल्ली में बीजेपी को अगर सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है तो ये एक तरह से जनतंत्र का की हत्या होगी। एक ही तरीके से सरकार बना सकते हैं दिल्ली में बीजेपी वाले, और वो है एमएलएज को खरीदकर, एमएलएज को तोड़कर बेईमानी से, उसी से वो सरकार बना सकते हैं। खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग में भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास नहीं करती, और ऐसी सरकार हमको मंजूर नहीं है जिसमें कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की जरूरत पड़े। इस बीच बीजेपी ने फिर दोहराया है कि एलजी चाहे तो विधानसभा को अपना नेता चुनने को कह सकते हैं। अब उसमें एनसीटी एक्ट है जिसकी धारा 9 कहती है कि एलजी को ये अधिकार है कि वो हाउस बना सकते हैं, और ये हाउस को कह सकते हैं कि आप अपने नेता का चुनाव करें। उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। लेकिन केजरीवाल का दावा है कि एलजी सीक्रेट बैलेट जैसी किसी व्यवस्था के तहत चाहकर भी दिल्ली में सरकार नहीं बनवा सकते, क्योंकि ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। मैंने भी उसके बाद कई संविधान के जानकारों से मैं मिला हूं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, और ये केवल मीडिया में शगुफे छोड़े जा रहे हैं। सीक्रेट बैलेट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको रूल्स दिखा दूंगा। शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब अंदर की बात यह है कि बीजेपी को सरकार बनने को लेकर कुछ कानूनी प्रावधानों पर भरोसा है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के सेक्शन 9 में सीक्रेट बैलेट यानी कि गोपनीय मतदान की बात की गई है। इसमें दल बदल कानून का भी असर नहीं होता। एलजी इस विकल्प को चुन सकते हैं, एलजी को इसका कानूनी अधिकार है। दूसरे विकल्प के तहत एलजी सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दे सकते हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक सरकार बना सकती है। और तीसरा विकल्प ये है कि विपक्ष के कुछ विधायक बीजेपी को समर्थन दे दें, जो सबसे मुश्किल लगता है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। पार्टी का दावा है कि अगर एलजी चाहे तो वो कई विकल्पों को आजमा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वो सरकार बनाकर दिखाएगी। आखिर कैसे बन सकती है दिल्ली में बीजेपी की सरकार, इस रिपोर्ट में समझिए। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए एक नहीं कई फॉर्मूले की चर्चा कर रही। महीने भर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय दर्जनों बार इन फॉर्मूलों की चर्चा कर चुके हैं। उनकी नज़र में सीक्रेट बैलेट के अलावा सरकार बनाने के और कौन से रास्ते हो सकते हैं, ये सुनिए। इस तरह की सारी चीजें संभावना है, या माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो अगला सवाल आप लोगों का है। देश में माइनॉरिटी गवर्नमेंट चली है, भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन नहीं है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑप्शन है। दूसरा, कुछ दल आपको समर्थन देते हैं, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा है कि आप चुनाव करा लें। ये राजनीतिक दल होने के नाते, जिम्मेदार दल होने के नाते, दिल्ली की जनता का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जरा दिल्ली विधानसभा का गणित समझ लीजिए। 70 सीटों की विधानसभा में फिलहाल 67 विधायक हैं। बीजेपी के 3 विधायकों के सांसद बनने के बाद सदन में 3 विधायक कम हो गए हैं। बीजेपी 28 विधायकों के साथ दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी है।
उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के पास एक विधायक है, जिसे मिलाकर बीजेपी की ताकत 29 विधायकों की हो जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी के 27 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 34 विधायक चाहिए। बीजेपी की नजरें 2 निर्दलीय और 1 जेडीयू विधायक पर हैं। निर्दलीय विनोद कुमार बिन्नी, रामवीर शौकीन बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जबकि शोएब इकबाल का रुख अब तक तय नहीं है। लेकिन माना ये जा रहा है कि सरकार बनने की संभावना जिधर होगी उधर उनका पलड़ा झुक सकता है। इन तीनों विधायकों का अगर बीजेपी को समर्थन मिल जाए तो उसके पाले में 32 विधायक हो जाते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर एलजी विधानसभा को अपना नेता चुनने के विकल्प को हरी झंडी देते हैं तो फिर बहुमत के लिए 2 विधायकों की कमी पूरी हो सकती है। लेकिन केजरीवाल अभी से बीजेपी को बड़ी धमकी दे रहे हैं। हमने अपने सारे विधायकों को कहा है कि अगर बीजेपी वाले आपको तोड़ने के लिए आए तो आप मना मत करना, वो आए तो उनसे बात शुरू करना और उनकी रिकॉर्डिंग कर लेना। एलजी साहब जब इनवाइट करते हैं आपको, उनको बीजेपी वालों को, और जब फ्लोर टेस्ट वहां पे कॉन्फिडेंस मोशन होने वाला होगा उसके 1 घंटे पहले ये सारी रिकॉर्डिंग रिलीज करेंगे और बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। हमने सारे विधायकों को बोला है कि अब कोई मना मत करना ये अगर आपके पास आए। शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल लगभग मिल चुका है और वो बस औपचारिकता पूरी करने में जुटी है। रही बात पत्ते खोलने की, तो इसमें अभी देर है। खास बात यह भी है कि आज आम आदमी पार्टी के 27 में से महज 22 विधायक ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे। एक विधायक राजेश गर्ग को पुलिस ने एक केस की वजह से थाने में बिठा रखा था, लेकिन केजरीवाल के साथ बाकी विधायक क्यों नहीं गए, इसका केजरीवाल के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इस वजह से अटकलें अब तेज हैं।